उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटे, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है ये, प्लीज काइंडली। डोंट परी इसको भी अभी ना करें प्लीज। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा। नहीं मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं, फैमिली ने दी। ये सारी JIT के अंदर है। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको एक जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क है सऊदी प्रिंस हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम से में मिली थी। हाँ जी, कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशाखाना की जब आपने घड़ी की बात की, तोशाखाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की उसमें कोई गलत बात नहीं। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशाखाना से चीज चोरी करना वो जरूरी। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहां तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो भी जो ड्यूज हैं जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या। सुनो, नहीं ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं, गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी, नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर, आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर ये प्लीज काइंडली, डोंट परी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि रॉयल को भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहां है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया भाई, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर? आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड BMW कार विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय द UAE रॉयल फैमिली एंड द वैल्यू ऑफ द कार डिक्लेयर्ड एज ₹3.5 million इन द टैक्स ईयर 2009-2010। द सेम कार वॉज डिक्लेयर टू बी सोल्ड ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ₹19.66 million, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने declare किया है इसको अपनी income tax return के? मेरा ख्याल है कि ये family की कोई होगी, मुझे इस पे से honest. उसके बाद मैं इसको check करके आपके पास वापस आ सकता। सफदर साहब, सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो NAB के दफ्तर के बाहर hit हुई थी? वो थी Land Cruiser. Land Cruiser थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है, नहीं मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं ये। अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा हुआ नहीं, मैं आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। अच्छा, मुझे आई हैव नो इंफॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010 मुझे नहीं पता, मैं चेक। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली, तीन, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है, फैमिली ने ये सारी JIT के अंदर है।